हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द वायरसेस। ठीक है, हमने बोला था कि जो वायरसेस के अंदर जनरली फोर कंपोनेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज द कोर या फिर न्यूक्लिक एसिड, सेकेंड वन इज द कैप्सिड, थर्ड वन इज द एनवलप एंड द लास्ट वन इज द एंजाइम। एंजाइम में हमने एक लास्ट देखा था, दैट इज द रिट्रो वायरस देखा था, जिसमें हमने बोला था कि रिट्रो वायरस वो होते हैं जो आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, आरएनए से डीएनए बन सकता है सिंगल स्ट्रैंड ड्राइव और यहां से एक स्ट्रैंड की फॉर्मेशन और हो जाएगी। एंजाइम जो चाहिए दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, और ये जो फिनोमिना कहलाता है दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एंजाइम कौन सा हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जो ये फिनोमिना दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फिनोमिना हो गया, तो फिनोमिना हो गया दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो फिनोमिना दैट इज ऑब्जर्व बाय द टेमिन एंड बाल्टीमोर, ये दो साइंटिस्ट थे टेमिन और बाल्टीमोर जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। तो इसलिए दिस फिनोमिना आल्सो नोन एज टेमिनिज्म, इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। और जिन वायरस में ये होता है ना, जिस वायरस में ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दे आर नोन एज द रेट्रो वायरस, उनको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HIV, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, हमारे अंदर जाके क्या करता है, डीएनए की फॉर्मेशन करता है, हमारे डीएनए के साथ में जुड़ेगा और हमें इन्फेक्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं करंट एग्जांपल की मैं बात करूं, दैट इज COVID-19, है ना, लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी COVID-19 की। अगर मैं बात करूं तो दिस वन आल्सो द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अगर टाइम रहता है तो एक बार मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर वो करवाता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, कैसे दिखाई देंगे, वो आपको मैं करवाता हूँ ना। सिलेबस से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक नॉलेज होनी चाहिए कि वायरस क्या है, किस किस चीज का बना हुआ है, कौन कौन सी इस पे कोटिंग है, कौन कौन से रिसेप्टर, वो चीजें देखते हैं, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में इसको डील करेंगे। तो ये कंपोनेंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट वन जो हमें डील करना है दैट इज रिप्रोडक्शन इन वायरस। नेक्स्ट फिनोमेना दैट इज रिप्रोडक्शन इन वायरस। ठीक है, हमने जनरल कैरेक्टर में देखा था कि जो वायरस हैं वो बाहर एटमोस्फेयर में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि जब उनके नंबर बढ़ेंगे या रिप्रोडक्शन होगा तो वो कहां पर होगा, होस्ट सेल के अंदर ही होगा, बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशन रहती है, द वन फर्स्ट वन इज द फेजिक कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज दैट इज पिनोसिटिक कंडीशन। तो जो वायरस है वो दो टाइप की लाइफ साइकिल को शो करते हैं, कौन कौन सी है, द फर्स्ट वन इज द फेजिक, PHAGIC फेजिक। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द पिनोसिटिक, पिनोसिटिक पिनोसिटिक कंडीशन। आपने सुना भी होगा फेगोसाइट पिनोसाइट वगैरह, तो उसी से निकल के पिनोसिटिक अंदर फेजिक आया। ये जो फेजिक है इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मेटल ही एंटर करता है होस्ट बॉडी में, जो बाहर की कैप्सिड वगैरह है वो एंटर नहीं करे। सिर्फ और सिर्फ अगर जेनेटिक मेटल एंटर करे तो उन्होंने द फेजिक, अगर पूरा का पूरा वायरस एंटर कर जाए तो उन्होंने द पिनोसिटिक। ठीक है, व्हेन ओनली जेनेटिक मेटीरियल मेटीरियल एंटर इंटू होस्ट बॉडी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिक मेटीरियल एंटर करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेज। पिनोसिटी के अंदर क्या होगा, जिसके केस में जेनेटिक मेटीरियल प्लस में कैप्सिड, अगर दोनों की दोनों चीज एंटर कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिनोसिटी कंडीशन बोलते हैं। तो वेन जेनेटिक मेटीरियल प्लस में कैप्सिड, ठीक है, ये दोनों चीज एंटर कर जाए, ठीक है,
एंटर बोथ, दोनों चीज एंटर कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिनोस्टेटिक बोलेंगे। क्या इसमें एनवलप एंटर करेगा? एनवलप पढ़ा था ना, लाइपोप्रोटीन बना हुआ जिसमें तीन कंपोनेंट थे, कैप्सिड को कवर करते हैं, तो इसमें कैप्सिड और जेनेटिक मेटल तो एंटर करेंगे बट यहाँ पर एनवलप एंटर नहीं करेगा। ठीक है, एनवलप या फिर कर दें हम एक्सेप्ट एनवलप, यानी कि एनवलप एंटर नहीं करता। तो ये हो गए मेजर दो टाइप। अब देखो जो फेजिक है उसमें भी दो टाइप निकल के आते हैं। फेजिक आल्सो द टू मेजर टाइप जो हम जर्नलिस्ट में सुनते हैं वायरस के केस में। द वन इज द लाइटिक लाइफ साइकिल एंड सेकेंड वन इज द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ये दो लाइटिक यानी कि ब्रस्टअप, ठीक है, जिसके केस में लास्ट में बैक्टीरियल सेल ब्रस्टअप हो जाए, डैमेज हो जाए, उसको हम लाइटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसके केस में जो वायरस है वो कैसे होगा, वायरुलेंट नेचर का होगा, घातक नेचर का होगा। जैसे ही वो बैक्टीरिया में जाएगा तो उसकी क्या करवा देगा, डेथ करवा देगा, उसको ब्रस्टअप करवा देगा। ठीक है, तो हम बोल देखिए कैसे नेचर क्या है, जिसमें द वायरुलेंट नेचर है, हार्म होस्ट इमीडिएट इमीडिएटली इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की सेल है फिर जो होस्ट की सेल है वो क्या कर जाएगी, ब्रस्टअप हो जाएगी, तो फाइनली होस्ट या फिर बैक्टीरियल सेल सेल गेट ब्रस्टअप, फट जाए। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें दैट इज टी टू फेज, कौन सा फेज जाएगा, दैट इज टी टू फेज में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द लाइसोजेनिक वायरस, ये भी बैक्टीरिया को नुकसान तो करेंगे, होस्ट को नुकसान तो करेंगे बट इमीडिएट नुकसान नहीं करेंगे। वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जुड़ जाते हैं तो उनके साथ में लगातार ये कॉपी होते रहते हैं। ठीक है, तो लेस विरुलेंट का कर दें नेचर क्या, हार आफ्टर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन के बाद में वो अफेक्ट करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा तब ये निकलेगा तो अपने साथ में बैक्टीरियल डीएनए की भी कुछ सेगमेंट को लेके चलेगा, तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी तो बैक्टीरियल का डीएनए भी आगे की तरफ पास आउट होता जाएगा। ठीक है, तो कैरी होस्ट डीएनए इसको भी लेके चलता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल में जाए दैट इज लैम्बडा फेज। अच्छा ठीक है, तो यहां पर ये हो गई इनकी दो मेजर लाइफ साइकिल हो गई। ठीक है, कि किस किस टाइप से ये शो करते हैं। अब इसको आप टेम्परेट इसलिए बोलते क्योंकि चलने लग रहा है ये जो आपका वायरस है लाइसोजेनिक, इसको आप टेम्परेट वायरस भी बोलते हो। ये कई बार पूछ लेते हैं कि विच वायरस इन द टेम्परेट वायरस। ठीक है, तो ये इनके दोनों की लाइफ साइकिल, उनके बीच में डिफरेंस हो गया। अच्छा, अगर ये इन्फेक्ट करेंगे तो कौन कौन से स्टेप को ये फॉलो करते हैं, इन्फेक्शन के दौरान कौन कौन से स्टेप फॉलो होंगे इन द लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ द वायरस। तो स्टेप्स इन लाइटिक लाइफ साइकिल कौन कौन से स्टेप फॉलो करे जाते हैं। सबसे पहला जो वायरस है वो होस्ट सेल पे बैक्टीरियल सेल पे अटैच होगा, तो पहला स्टेप आगे दैट इज अटैचमेंट का, पहले उससे क्या होगा, अटैच होगा। दूसरा फिर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो किसमें पेनिट्रेट करेगा, बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो सेकेंड स्टेप हो गया दैट इज पेनिट्रेशन, सेकेंड स्टेप हो गया पेनिट्रेशन। अब वहां पर जाके अपने जेनेटिक मटेरियल के नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है भाई, होस्ट डीएनए के साथ में जुड़ा,
रेप्लिकेशन करेगा तभी तो नंबर बढ़ेगा, तो थर्ड स्टेप हो जाएगा दैट इज रेप्लिकेशन। ठीक है, फोर्थ स्टेप, बहुत सारे खुद के जेनेटिक मटेरियल की कॉपी इसने तैयार कर ली है, उसके बाद में क्या करेगा, अपने चारों तरफ जो प्रोटीन कोट वगैरह होती है, कैप्सिड वगैरह होती है, उसको बनाएगा और उस खुद के जेनेटिक मटेरियल को कवर करेगा, तो वो कहलाएगा आपका असेंबली, यानी कि जोड़ना। असेंबल कहलाता है ना, कंप्यूटर को असेंबल करना, किसी भी चीज को जोड़ना, तो असेंबली। जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर कोटिंग एड हो गई, तो ये हो गई आपकी असेंबली। लास्ट में आ जाएगा कि जो फर्स्ट सेल थी, जो बैक्टीरियल सेल थी, वो डैमेज होगी, और लास्ट में जो नए वायरस बने हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो दीज आर द फाइव डिफरेंट स्टेप। इसके केस में होस्ट सेल थी, वायरस यहाँ पर अटैच हो गया था। ठीक है, दूसरे पेनिट्रेशन में जो वायरस का डीएनए है वो होस्ट के डीएनए में क्या कर गया, पेनिट्रेट कर गया। तीसरा क्या है, रेप्लिकेशन है, कि खुद की बहुत सारी क्या करेगा, कॉपी तैयार करेगा होस्ट सेल के डीएनए को तोड़ के, क्योंकि मशीनरी अब इसके कंट्रोल में आ चुकी है। जो वायरस है वो होस्ट की मशीनरी को खुद के कंट्रोल में लेके काम करते हैं। असेंबली यहाँ पर जुड़ गया, लास्ट हो गया रिलीज। बैक्टीरियल सेल डैमेज हो गई, टूट गई, यहां से बहुत सारे छोटे छोटे वायरस निकलेंगे, दैट इज नोन एज द रिलीज। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल। आई थिंक सर क्लियर होगा। उसके बाद में अगर हम लाइसेंस देने की बात करें, लाइसेंस देने की लाइफ साइकिल में कौन सा आएगा, तो वहां पर स्टेप आ जाएंगे आपका अटैचमेंट आ जाएगा, पेनिट्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, कि जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके साथ में जुड़ जाएगा, और लास्ट में क्या जाएगा, रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें आ जाएगी। उसके बाद में है नेक्स्ट वन, दैट इज डिफरेंट एंटिटीज ऑफ द वायरस। एंटिटीज का मतलब वो चीज जो वायरस से छोटी होती है उनको हम एंटिटीज बोल देते हैं। लेकिन उस पे आने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूंगा जिसमें अलग अलग वायरस के अलग अलग जेनेटिक मेटल के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, इतना याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, है ना। मैं आपको एक दिखाता हूँ बुक में, वहां पर देखिएगा, वायरस एंड न्यूक्लिक एसिड। इधर वायरसेस के नेम गिवन है और इधर क्या है, जेनेटिक मटेरियल गिवन है। एडेनो वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, होस्ट ट्यूमर, हार्ट सिंपल वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फीवर ब्लिस्टर, आपका हेपेटाइटिस वायरस डबल स्ट्रैंडेड, हेपेटाइटिस बी, इसी तरीके से आपको दे रखे। ठीक है, अलग अलग, अगर आप चाहो याद करना चाहो तो आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हो इधर रुक के। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि किसी भी चीज के नहीं, इतने सारे वायरस के जेनेटिक मटेरियल को याद करना, बट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फिर आप ले सकते हो पैरामिक जो वायरस। ठीक है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इबोला वायरस, इनमें से कुछ मेन है, कव पी मोजिक वायरस वो दे रखे हैं, इसी तरीके से इधर भी दे रखे आपके फ्लेवी वायरस दे रखे हैं, आपका इन्फ्लुएंजा वायरस दे रखे हैं, और आपका कोलीफेस याद होगा वायरस बताया था, ये चीज जरूर याद कर लेना, कोलीफेस के अंदर जो ही दिया सिंगल स्ट्रैंडेड वाले, ये आपको याद है, बताया था हमने 17 था, एमएस था, 13 था, क्यूबी था, F2 था, क्यूबी का नाम कल भी देखा था हमने। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ये फिर HIV वायरस की स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, तो ये याद करने की वैसे कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एंटिटीज की, बात कर लेते हैं। कुछ बुक में ओरिजिन ऑफ वायरस के रिगार्डिंग भी काफी अलग अलग थ्योरी दे रखी है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको थ्योरी के लिए बता देता हूँ कि ओरिजिन ऑफ वायरस के लिए क्या बोला गया। ओरिजिन ऑफ वायरस के लिए दो अलग अलग थ्योरी है, एक थ्योरी आपकी रिग्रेसिव थ्योरी है और दूसरी आपकी एस्केप्ड जीन हाइपोथेसिस है। ठीक है, जो ओरिजिन के बारे में बात करती है, तो ओरिजिन ऑफ वायरस कैसे हुआ वो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, सिलेबस में नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, और इस वायरस से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी टर्म्स है वो भी डील कर लेते हैं। इन थ्योरी में से अभी तक कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कौन सी सही कौन सी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बना। ठीक है, देखिए जो मोस्ट ऑफ द वायरस है वो कैसे हैं, प्रोटीनस नेचर के और सेलुलर, उनमें होमोलोग नहीं है, तो
मोस्ट ऑफ द वायरस आर प्रोटीनियस एंड हैव नो सेलुलर होमोलोग। उसमें सेल के जैसे नेचर अलग अलग थ्योरी है। पहली हम थ्योरी पे जाते, दैट इज रिग्रेसिव थ्योरी, और जो दूसरी थ्योरी दैट इज आपकी दैट इज एस्केप्ड जीन थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये दो अलग अलग, इन दोनों का अपना अलग अलग ही मान है। दोनों थ्योरी क्या क्या बोलती है वो हल्का हल्का एक बार देख लेते हैं इनके बारे में कि दोनों को क्या क्या मानना है, कुछ ही देख लेते हैं। देखिए, रिग्रेसिव थ्योरी का मानना ये है कि जो ये वायरस बने हैं वो आपके ट्रांसपोर्टेबल, या फिर जो जीन है जो मूव कर सकते हैं, जिनको आप जंपिंग जीन भी बोलते हैं, उनकी वजह से बने, जो एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे जा सकते हैं और इवन वो सेल से भी बाहर आ सकते हैं, और कोई भी जो डैमेज सेल या फिर सेल मेम्ब्रेन है वहां से किसी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, ऐसा मानना इस थ्योरी का। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वायरस आर ट्रांसपोसोम्स और प्लाज्मा टाइप विच कैन पास आउट थ्रू द सेल एंड कैन एंटर इंटू होस्ट थ्रू डैमेज्ड सेल में, वहां से ही एंटर कर जाता है। ठीक है, ट्रांसपोसोम्स के होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तो इनको मोबाइल डीएनए एलिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, मोबाइल डीएनए फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी बोल देते हैं। इसमें एस्केप्ड जीन थ्योरी में ये बोला गया कि जो मोस्ट ऑफ द वायरस हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, और प्रोटीन बनाने के काम किसके होते हैं, जीन के होते हैं। तो ये छोटे छोटे जीन ही हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो किसी भी वायरस और प्लांट से बने हुए हैं, और ये किसी भी सेल के अंदर एंटर करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हार्म कर देंगे। तो इनका मानना है कि जो ये वायरस बने हैं वो किससे बने हैं, जीन से बने। बट ये जीन आया कहाँ से वो कन्फ्यूजेबल है कि भाई प्लांट से आया है, एनिमल से है, या फिर बैक्टीरिया से। ठीक है, लेकिन माना ही जाता है कि जो वायरस है मेली दे ड्राइव्ड फ्रॉम द आरएनए सेल्स, यानी कि जिस सेल में आरएनए था उससे सबसे पहले क्या बना है, आपका वायरस बना है, और फिर इस आरएनए वायरस का इवोल्ड होके उसमें डायरेक्टली चेंज आके फिर किसकी फॉर्मेशन हुई है, डीएनए वायरस की फॉर्मेशन हुई है। तो इनका मानना ये है कि जो वायरस सबसे पहले आए थे वो कैसे थे, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के थे, उसके बाद में क्या बना है, डीएनए बना है। और इनका ये मानना कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो पास आउट हो गया सेल से और किसी भी डैमेज सेल्स के अंदर एंटर करके उसको अफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दो थ्योरी यहाँ पर पढ़ी जाती है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि एंटिटीज के ऊपर, छोटे छोटे कंपोनेंट पे कि कौन कौन से हैं वो आपको करवाते हैं, लेकिन उस पे आने से पहले एक टर्म और दिमाग में आ रही बार बार, कभी वो स्किप ना हो जाए, दैट इज प्लाक, एक वर्ड आता है। ठीक है, एक वर्ड है दैट इज प्लाक, जो कई बार पूछ लिया जाता है, एक कॉमन वर्ड है वैसे तो ये, PLAQUES प्लाक्स। ठीक है, एक आपने इसे टेंथ में पढ़ा था, डेंटल प्लाक है ना, जब फूड पार्टिकल टीथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक ग्रीनिश या फिर येलोविश लेयर बन जाते हैं, जिसको आप पाइडिया या फिर डेंटल प्लाक बोलते हैं। यहाँ पर हम जो प्लाक वर्ड यूज करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे कि देखो, जैसे मान लो ये कोई कल्चर मीडिया प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्या हैं, बैक्टीरिया ग्रो करे थे, बैक्टीरियल कॉलोनी है ये,
अब इस कॉलोनी के ऊपर वायरस ने क्या कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज है ये जो वायरस है वो क्या है, बैक्टीरियोफेज है, उसने इनके ऊपर इन्फेक्शन किया, इनको तोड़ दिया, और यहां पर ये वायरस क्या करने लगे, अभी ग्रो करने लगे, कल्चर मीडिया पे नहीं बल्कि इन होस्ट सेल के ऊपर ग्रो करने लगे, क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस है वो तो आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो बनी है डैमेज सेल्स की कॉलोनी, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्लाक से क्या, दीज आर द क्लियर स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम हैविंग बैक्टीरियोफेज, यहां पर बैक्टीरियोफेज आ चुका। लेकिन बैक्टीरियोफेज आए तो उनके लिए और क्या चीज होनी चाहिए, बैक्टीरिया भी होनी चाहिए, तो उस कल्चर मीडिया पे बैक्टीरियोफेज भी और क्या है, बैक्टीरिया भी। ठीक है, और जो ये प्लाक्स बनते हैं एंड प्लाक फॉर्मेशन इज ड्यू टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया की बात हो रही है, बाय बैक्टीरियोफेज, उसको आप प्लाक बोलते हैं। आई थिंक शायद क्लियर होगा। उसके बाद में हम एंटिटीज के ऊपर आ जाते हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट है जो वायरस से भी छोटे हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ओरिजिन ऑफ वायरस है उसके बारे में बात कर ली, प्लाक के बारे में बात कर ली, एक और टर्म दिमाग में आ रही है, दैट इज ओंको वायरस। ओंको वायरस देखिए, एक ओंको वर्ड कॉमन वर्ड है जो मेडिकल के अंदर आजकल बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। ठीक है, तो ओंकोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है साइंस का जो कैंसर के ऊपर डील करता है, तो ओंको का मतलब कैंसर और वायरस का मतलब वायरस, ऐसे वायरस जो कैंसर कोज कर दे, देन द ओंको वायरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता देता हूँ ये, तो ओंको का मीन कैंसर। वायरस का मतलब वायरस, तो दोज वायरस विच कोज कैंसर नोन एज ओंको वायरस, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ओंकोलॉजी क्या हो गई स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के बारे में पढ़ने वाली जो ब्रांच है दैट इज द ओंकोलॉजी हो गई। ठीक है, अब जो कैंसर है वो अलग अलग तरह के होते हैं, इन्वेसिव हो गया, बेनिगन हो गया, मेलिग्नेंट हो गया, ये हो गया, लेकिन जो वायरस कैंसर करेंगे उनको हमने क्या बोल दिया, ओंको वायरस बोल दिया। ठीक है, देखिए ओंको वायरस आते कहाँ से हैं, एयर से आते हैं, ये अगर एयर में तो फिर हर किसी पर्सन को कैंसर क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बेटा उसका रीजन होगा कि जो ओंको वायरस है वो हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, अगर किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो जल्दी से वायरस वहां पर ग्रो नहीं करते हैं, इन्फेक्शन ग्रो नहीं करेगा और वो किल हो जाएंगे, बट अगर किसी का इन्फेक्शन अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वो इजिली इन्फेक्टेड हो जाएगा, डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो दूसरी बात है किस्मत की भी, कई बार ऐसे भी सुनने में आता है कि कुछ लोग स्मोकिंग चीविंग नहीं करते उसके बावजूद भी कैंसर हो जाता है, तो ये भी एक आप फैक्टर मान सकते हो, बट इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा वो मेनली आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी जो डेली लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो आपकी डाइट है उसके ऊपर भी करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि आज के डेली रूटीन में योगा को या फिर एक्सरसाइज को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, मोस्टली पर्सन आजकल नेचुरल डाइट की तरफ आने लग रहे हैं, जंक फूड वगैरह को कम करने लग रहे हैं, तो उसका रीजन भी यही है कि आजकल जो पर्सन है वो काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं डिजीज को लेके, तो अच्छी बात है ये भी। यहाँ पर हम कुछ ओंको वायरस के एग्जाम्पल
देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओंकोवायरस, एक है दैट इज HTLV है, शायद HTLV ये है, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है दैट इज RNA, ठीक है। और ये जो कैंसर करता है वो अडल्ट टी सेल का कैंसर करता है, अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का। इसी तरीके से एक दूसरा जो आपने काफी फेमस एग्जांपल सुना हो दैट इज पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस दैट ऑफ द डीएनए, ठीक है। ये क्या कराता है दैट इज जेनाइटल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको करता है, मेनली जेनाइटल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है, ठीक है, जिसमें पेनिस और वेजाइना सर्विक्स वगैरह ये आ जाएगी। उसके बाद में हिपेटाइटिस बी वायरस, उसके अंदर भी क्या है डीएनए, किसका कैंसर करवाता है हिपेटाइटिस, हिपेटोलॉजी स्टडी ऑफ द लीवर, ठीक है, हिपेटोसाइट वो सेल जो लीवर को बनाती है, तो हिपेटो वर्ड आपका कैंसर के लिए। इसके अलावा आपका एक आता है कौन सा था दैट इज एस्टेन बार वायरस आता है, उसके अंदर भी डीएनए था, किसको करवाता है ये बुर्किट लिम्फोमा करवाता है। या आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर पढ़े होंगे, नहीं तो आप जूलॉजी के अंदर इसको पढ़ोगे, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। लास्ट वन होगी दैट इज ह्यूमन हर्ट्स, इट आल्सो द डीएनए, इट कॉज द कैपोसी सार्कोमा, सार्कोमा लिम्फोमा, ठीक है, ये टर्म्स आपने पढ़े। तो ये हो गए आपके ओंको वायरस जो अलग अलग टाइप्स की कैंसर कोच करते हैं, और ये जो वायरस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को ही अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरी की बॉडी, पूरी बॉडी धीरे धीरे इन्फेक्ट होना स्टार्ट करती है और फाइनली पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अभी जो एंटिटीज थी, जो छोटे कंपोनेंट थे, वो इस वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएंगे, तो एक हम अगला वीडियो और बनाएंगे जो शॉर्ट वीडियो रहेगा, नियर अबाउट 15 से 20 मिनट का रहेगा, तो उसके अंदर जितने भी एंटिटीज हैं वो हम वेल डिटेल के साथ में डील करेंगे, और जो एंटिटीज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जाम पर्पस, ठीक है। तो आई होप आपको वायरस का काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, और जैसा भी आपका कमेंट हो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, थैंक यू।